ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर मैं श्याम सुंदर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज अपने इस रीजनिंग की क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक अपना है वो रीजनिंग का पहला टॉपिक माना जाता है। सर, मोस्ट ऑफ केस में क्या होता है कि सबसे पहले वही टॉपिक करते हैं अपने। तो आज जो टॉपिक है वो है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग, सांकेतिक भाषा, ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि अपने जो टॉपिक अभी तक अपने ने किए वो सभी एग्जाम्स में, सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिसमें रीजनिंग आती है उसमें ये टॉपिक आते आते हैं अपने। तो जो सांकेतिक भाषा जो अपना टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग जो टॉपिक है, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। और ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक, इसका जो बेस है वो है 26 अल्फ़ाबेट। जो ABCD है अपनी, वो 26 लेटर है, जो 26 अक्षर है, उनके ऊपर ही पूरा का पूरा बेस है ये। अब अपने ये तो कर नहीं सकते भी ऑनलाइन क्लास में, आपको मैं ये तो याद तो करवा नहीं सकता कि भी A1 पर होता है, B2 पर, C3 पर, ये आपको याद करना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता सकता हूँ कि भी किसी हिसाब से इनको जल्दी याद किया जा सकता है। 26 अक्षर है, तो मेरा मानना ये है कि आपको कम से कम 10-12 अक्षर तो याद ही है, सिर्फ और सिर्फ 10-12 अक्षर याद करने हैं आपको। जैसे स्टार्टिंग के 4 अक्षर है, अब ये कोई रट्टे का थोड़ी, अब है ना, ये कोई रट्टे का थोड़ी भाई कि ABCD, ये 1 2 3 4 ऐसे होते हैं, कौन रटेगा इनको? पता है भी ABCD 4 पर होते हैं, तो 26 में 4 तो गए। लास्ट के 3 अक्षर काट दीजिएगा आप, XYZ, 24 25 26, अब ये काट दीजिएगा इनको, कौन रटेगा? जेड 26 पे होता है, वाई 25 पे होता है, X 24, मतलब बहुत जल्दी याद होने वाले हैं अक्षर ये। एक शब्द और है जिसमें 5 अक्षर आते हैं, कौन सा है वो? EJOTY, इजोटी। ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, अर्थ नहीं है इसका कोई भी, फिर भी ये याद हो जाता है क्योंकि इसमें 5 का टेबल चलता है। ठीक है, जैसे 5 10 15 20 20, वाई 25 पर आ गया, इसमें से भी 2 अक्षर और कम हो सकते हैं इजोटी में भी, क्योंकि XYZ में वाई आ गया, T 20 20, इसी हिसाब से आ गया। पहला अक्षर ABCD E 5 पर होता ही है, तो बचे तो 2 ही, J और O, यही तो याद करने हैं अपने को। तो इस हिसाब से आप याद करो, एक दो अक्षर और हैं जिनको भी बहुत जल्दी याद कर सकते हैं अपने, जैसे आई नो बोलते हैं ना, आई नो, अपने तो ये बोलते हैं आई नो, लेकिन ये आई होता है ये कितने नंबर पे होता है? 9 नंबर पे होता है, और अपने मोस्टली इसको ऐसे तो लिखते हैं इंडिया जब लिखते हैं, मान लीजिएगा तो आई को इसी हिसाब से मोस्टली लिखते हैं अपने, ड्राफ्टिंग जब करते हैं तो इसी हिसाब से करते हैं। तो आई नो, आई नो नंबर पे होता है। M होता है जो 13 नंबर पे होता है। M फॉर मिडल होता है, M फॉर मिडल, मिडल मतलब आधा, कोई चीज़ का आधा, मिडल मतलब आधा होता है, तो 26 का आधा 13, तो इसी हिसाब से M फॉर मतलब M फॉर मिडल, इसी हिसाब से M को भी याद कर सकते हैं अपने, है ना। M मैं 13, इसी हिसाब से मैं 13, M 13, W 23, M 13, W 23, इसी हिसाब से कुछ भी ट्रिक बनाओ ना आप, अपने हिसाब से बनाओ कोई भी, आप इनको जल्दी याद कर सकते हो, सीधी सी बात ये है। और ये जब याद होंगे तो मैं क्लियरली कह रहा हूँ आपको, बहुत जल्दी आप सॉल्व आउट कर लोगे पर्सन को। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि ये याद नहीं है तो पर्सन नहीं होंगे, पर्सन हो जाएंगे सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार इजी क्वेश्चन आ जाते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, नहीं आते वो भी हो जाते हैं, लेकिन फिर आपको ABCD लिखनी पड़ेगी, यहाँ से लेकर वहाँ तक आपको जो भी एग्जाम आप दोगे वहाँ पर आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी, ABCD लिखनी पड़ेगी, A1 B C D, इस हिसाब से 1 2 3 4 नंबर देने पड़ेंगे। जैसी आपको जरूरत पड़ी F की तो आपको जाना पड़ेगा 6 नंबर पे, W 23, M 13, N 14, O 15, इसी हिसाब से करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको तो याद है 2 दिन में याद होने वाली चीज़ है। इसके अलावा एक चीज़ और बताता हूँ, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं, इसके मतलब थोड़ा सा इसका बेसिक शुरू करते हैं भी, कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है, क्या मानने इसको, सिर्फ 2 मिनट में वो बता देता हूँ एक चीज़ और मैं। इसके अलावा इस जो कोडिंग डिकोडिंग है इसमें 13 जोड़े बनते हैं भाई, इन एक दूसरे के पेयर बनते हैं, मतलब जोड़ी बना दे दो दो की, तो 26 अक्षर है तो 13 जोड़ी बनेगी, वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसको अपने जोड़ीदार कहेंगे। ठीक है,
मतलब पेयर बन गया, एक जोड़ा बन गया, पेयर समझते हो, पेयर तो जोड़ा बन गया एक, तो अपने जोड़ीदार नाम से पुकारेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इसमें से भी, कई बार सीधा का सीधा क्वेश्चन आ जाता है, बहुत एग्जाम में आया हुआ है प्रीवियस पेपर्स में। अब आप इसको देखिएगा कैसे कि ए का जोड़ा है ना, ए पहला ही पहला है, ए का जोड़ा जड़ के साथ बनता है, तो आप इसको याद रख सकते हो ए टू जड, है ना, ए टू जड अजर, इस हिसाब से कुछ भी याद रख लो, कैसे भी याद रखो, इसका टोटल होगा वो हमेशा याद रखना 27 होगा, क्योंकि ए एक पर होता है, जड 26 पर होता है, 26 और एक 27, इसी हिसाब से भी है ना। तो बी, बी कितने, बी का जोड़ी कितना होता है, बी का जोड़ीदार कौन होता है, वाई, वाई होता है, बी दो पर और वाई 25 नंबर पे होता है, तो दो और 25 फिर 27, इनका टोटल फिर 27 होता है। बॉय, बी वाई बॉय, बाय बाय, कुछ भी जैसे मर्जी आप अपने ट्रिक के अकॉर्डिंग इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए सी, ये आता है एक्स, सिक्स, तीन नंबर 24, तीन और 24 27, मतलब टोटल 27 ही होगा, जिसका मर्जी जोड़ लीजिए। चेन्नई एक्सप्रेस, सी एक्स, सिक्स, कोक्स, कोरेक्स, जो मर्जी जैसे मर्जी याद कीजिएगा, सी का एक्स, ए का जेड अजर, बी वाई बॉय, सी एक्स। अब देखिएगा डी, डब्ल्यू, ड्यू, दूध वाला, इस हिसाब से जो मर्जी, काफी मतलब ऑफलाइन क्लास में जो पढ़ाते हैं तो काफी लड़के कुछ ना कुछ जवाब देते रहते हैं, तो इनका बहुत आंसर बहुत बनते हैं अपने अपने हिसाब से, जो भी आपको सेट लगता है वो बनाइए, याद कीजिए। ई का वी, इवनिंग, ई का वी इवनिंग, ठीक है जी। एफ का यू, एफ का यू फनी, फादर अंकल। जी का टी, ये तो बहुत जल्दी याद होने वाला है, जीटी रोड, इस हिसाब से याद कर लीजिएगा इसको, सहरसा सूरी, जल्दी याद होता है। और देखो जी 7 पर होता है, टी 20 पर होता है, 20 और 7 27, टोटल तो 27 होना ही है। एच एस, ये भी जल्दी याद होने वाला है, हनी सिंह, है ना, एच एस हाई सेकेंडरी, हनी सिंह, जैसे मर्जी याद करो, एच एस, एच का उल्टा एस, एच का जोड़ीदार एस, जैसे मर्जी जिसको आपको उचित लगे वैसे। इसके बाद में अपने करते हैं एच आ गया, एच के बाद में आई, आई का आर, इंडियन रेलवे, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो दो देशों के बीच होते हैं, तो इसी हिसाब से जैसे मर्जी याद रखो, नो 18, आई नो आर 18, आई नो आर 18, तो नो 18 27। नेक्स्ट देखते हैं जे क्यू, जयपुर क्वीन, जैकलिन, इसी हिसाब से जैसे मर्जी याद रखो, जे 10 पर होता है, जोटी में आता है, क्यू 17 होता है, क्यू 17 होता है, ठीक है, तो जे क्यू 10 और 17 27, टोटल भी 27 हो गया। इसके बाद आता है के, के का अपोजिट होता है, जोड़ीदार जो होता है वो होता है पी, के पी, काला पानी, इसी हिसाब से, है ना, पी के मूवी आई थी, जैसे मर्जी याद रखो। इसके बाद आता है एल, एल का ओ, ये तो बहुत जल्दी याद होने वाला है ना, एल ओ, लव, लव सबसे याद रख सकते हैं अपने। और देखिएगा एक चीज और देखिएगा, जैसे ही अपने ने एक शब्द लिखा लव, तो इसमें चारों के चारों जो लेटर है ना, जो अक्षर हैं, वो अपोजिट हैं, आप देख सकते हो, एल का अपोजिट ओ, वी का ई या ई का वी, इवनिंग, ऐसे अपने जो बनाया था, तो लव के अंदर चारों के चारों दो जोड़े बने, दोनों के दोनों ही उल्टे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट एन का एम, नेम, माई नेम, मन, इसी हिसाब से जैसे मर्जी याद करो। ये आप एक बार इनकी रीडिंग ले लेना, आपको याद हो जाएंगे, एक बार डेली लोगे तो 2 या 3 दिन में आपको याद हो जाएंगे ये। उससे क्या होगा कि आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कई बार जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट ही सोल्व हो जाते हैं। ये दो चीजें देखिएगा, दो चीजें इसमें बहुत जरूरी है, एक तो आपको अल्फाबेट सारे याद होने चाहिए, ए बी सी डी टिल जेड, जेड तक भी, एक्स 24 पे आता है, डब्ल्यू 23 पे आता है, आर 18, एस 19, एन 14, एम 13, जी 7, एच 8, आई 9, इस हिसाब से। और ए के थोड़े से जोड़ीदार, ये थोड़ा कन्फर्म, ए टू जेड, बी वाई, सी एक्स, डी डब्ल्यू, ई वी, एफ यू, जी टी, एच एस, आई आर, जे क्यू, के पी, एल ओ, एम एन, एन एम, एक की बात है।
इसी हिसाब से आप याद रख लीजिएगा इनको। अगर ये याद हो जाएंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं अपने, एक क्वेश्चन इस पर आ जाता है कई बार। अब अपने इसको आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा और समझते हैं, ये तो बेसिक बेसिक हो गया थोड़ा सा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन किस हिसाब से आता है, कैसे सोल्व कैसे होता है, मतलब क्या होता है कोडिंग डिकोडिंग का, ये बात करते हैं। अब देखिएगा, अगर आपको कहा जाए कि भी कोडिंग डिकोडिंग को एक शब्द में फिनिश कर दीजिए, एक ही शब्द में खत्म कर दीजिए कि भी ये होती है कोडिंग डिकोडिंग, अगर सिंपल सा एक ही शब्द कहना हो कि कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है, प्रश्न क्या होता है कोडिंग डिकोडिंग में कैसे बनता है, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक आंसर देके कोडिंग डिकोडिंग का काम खत्म कर सकते हो। क्या? कोडिंग डिकोडिंग का मतलब होता है बदलना, बस बात खत्म। कोड को डिकोड करना, कोडिंग डिकोडिंग का मतलब यही तो होता है, कोड को डिकोड कर दो, कोई कोड है उसको डिकोड कर दो, उसको बदल दो, उसका उसकी रचना बदल दो, उसका नियम बदल दो, कोडिंग का डिकोडिंग हो गया। जैसे एबीसीडी होती है, कोडिंग डिकोड क्या होते हैं, ए से लेके जेड तक, ए टू जेड 26 अक्षर होते हैं, 26 अक्षरों को बदलना। अब 26 को बदलेंगे ये तो है नहीं कि भाई 26 को बदल के कुछ और ही बना देंगे, उसमें से अक्षर के अक्षर ही बनाना है अपने को। जैसे अपने एक एग्जांपल लेते हैं, पेन ले लेते हैं, ये लीजिएगा पेन। अब देखिएगा कि इसको मैं चेंज कर देता हूं, ये आता है कि पेन को मैंने लिख दिया मान लीजिएगा क्यू एफ और ओ, ये लिख दिया। आपके क्वेश्चन आएगा कि किसी सांकेतिक भाषा में पेन को क्यू एफ ओ लिखा जाता है। अब पेन तो सुंदर लग रहा था देखने में, पी एन पेन, अच्छी स्पेल भी सही है और सुंदर भी है, मतलब भी है, मीनिंगफुल भी है, पेन ये क्या है, क्यू एफ ओ क्या मतलब हुआ भाई, इसका मतलब ये चेंज कर दिया, बदल दिया। अब कोई चीज को बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं, कोई चीज को बदलना है तो उसमें कुछ ऐड कर दो वो बदल जाएगी, या उसमें से कुछ निकाल लो वो बदल जाएगी। तो यही तो यहां पर किया है मैंने, मैंने क्या किया, अब नंबर देखते हैं समझ में आएगा आपको, 16, 5 और 14 ये इनके नंबर होते हैं, पी 16 नंबर पे होता है, ई 5 पे अभी किया था, एन 14 नंबर, मैं तेरा एन 14 इस हिसाब से, और क्यू 17, एफ 6, ओ 15। तो आप देखिए अब समझ में आएगा आपको, 16 नंबर वाला था पी सबसे पहले पड़ा था, यहां क्या हो गया, क्यू हो गया, एक बढ़ के आ गया, चेंज तो हो गया, बदल तो गया। देखिएगा कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, बदलना, चेंज करना, चेंज करना, ये मतलब होता है इसका, ठीक है, ये होता है इसका मतलब, बस इतना सा ध्यान में रखना है अपने को। तो अब मैंने बदल तो दिया ना कुछ नया कर दिया, सेम नहीं रखा, कई बार सेम रखते तो पोजीशन चेंज कर देते हैं। ये तो कभी ऐसा तो क्वेश्चन नहीं आया होगा कभी कि पेन को पेन ही लिखा जाता है, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा भी कि पेन को पेन ही लिखा जाता है, फिर मान लीजिएगा स्टॉप को स्टॉप ही लिखा जाता है, ऐसा क्वेश्चन तो बनने से रहा। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब होता है चेंज करना, तो ये तो सेम हो गया, ऐसा क्वेश्चन तो बनता नहीं है भाई अपने पास, इस हिसाब से तो बनेगा नहीं, अब क्वेश्चन तो ऐसे ही बनेगा। तो पेन को इसने क्या लिखा, क्यू एफ ओ, तो पी 16 पर तो क्यू बना दिया 17, ई 5 पर तो एफ बना दिया 6, एन 14 तो ओ बना दिया 15, इसी हिसाब से चेंज कर दिया इसको, ठीक है जी। और देखते हैं, अभी और समझाता हूं मैं, एक और देखते हैं अभी अपने, तो कोई जरूरी थोड़ी है प्लस ही करेगा, जैसे माइनस कर दे, मान लीजिएगा एक शब्द और ले लेते हैं, अब की बार अपने ने स्टॉप ही ले लिया, अभी लिखा था स्टॉप, और स्टॉप को मान लीजिएगा इसने चेंज करके लिखा आर, फिर लिख दिया एस, फिर लिख दिया एन, फिर लिख दिया ओ, ये लिख दिया जी स्टॉप को। तो अब आपको नंबर अगर याद है ना तो एक सेकंड भी नहीं लगेगा, देखते टिक करना, अच्छा जी ये आंसर हो गया इसका, तो अगर नंबर याद है तो, लेकिन नंबर याद नहीं है कोई बात नहीं, आप इनमें नंबर लगा लीजिए आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे एस 19 पर होता है टी 20, ओ 15, पी 16, आर 18, एस 19, एन 14, ओ 15, हो गया जी। अब देखिएगा इसने क्या किया, एस 19 को क्या बना दिया, आर 18 बना दिया, घटा दिया एक, 20 को क्या बना दिया, 19, फिर घटा दिया एक, 15 को 14, फिर घटा दिया, 16 को 15, फिर घटा दिया। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, मैं इसके नीचे लिख देता हूँ आर, इसके नीचे लिख देता हूँ एस, एन,
इस हिसाब से तो ये करता है। तो देखिए दोबारा मैं मेरे कहने का मोटिव एक ही है, ये क्या करता है, कोई भी अक्षरों को बदल देता है। कोडिंग डिकोडिंग मैंने कहा ना, एक ही पर्सन अगर एक ही शब्द में आंसर देना कि होता क्या है, तो बदलना, सिर्फ बदलना होता है। और बदलते ऐसे हैं, अब आपको मैं बताता हूं कि बदलते कैसे है। दो प्रकार से बदला जाता है इसको, 99% केस में, मोस्ट ऑफ केस में दो प्रकार से बदला जाता है। एक तो होता है प्लस या माइनस, एक तरीका तो यह होता है, दोबारा समझ लीजिए, एक तरीका तो यह होता है कि या तो कुछ जोड़ दो या घटा दो, बदल जाएगा। जैसे ये बदल गया 18, 19, 14, 15 बदल गया ना। और इसी को मैं अगर इसे लिखता स्टॉप, इसमें माइनस वन किया है मैंने, यहाँ पर तो माइनस वन किया है, और यहाँ पर मान लीजिए मैंने कर दिया यू, फिर कर दिया वी, फिर कर दिया क्यू, फिर कर दिया आर, यहाँ पर प्लस दो किया, आप देख सकते हो 19, 20, 15, 16, अब देखिएगा 21, 22, 17, 18, अब देखिए क्या किया है, 19 वाले को 21, 20 वाले को 22, 15 वाले को 17, 16 वाले को 18, तो प्लस दो दो कर दिया। कोई ज़रूरी थोड़ी है माइनस ही करेगा, प्लस भी कर सकता है, माइनस भी कर सकता है, दोनों चीज़ें होती है। तो प्लस और माइनस, एक तरीका तो ये होता है इसको चेंज करने के, दो तरीके होते हैं, दो तरीकों में से एक तो ये हो गया, या तो कुछ जोड़ दो या कुछ घटा दो, बदल जाएगा। बदलने की बात चल रही है अभी अपने, चेंज करने की। और एक चीज़ ये होती है, मान लो यही क्वेश्चन ऐसे होता स्टॉप, और इसको मैं ये लिखता H, ये लिखता G, ये लिखता L, ये लिखता K, ये भी तरीका होता है एक, ये भी तो तरीका होता है एक, दूसरा तरीका ये भी तो है। क्या हुआ, क्या चेंज किया, ना आज कुछ जोड़ा, नंबर लगाओगे ये 19 नंबर पे आता है, 19 पर, ये 20 पर, ये 15 पर, और ये 16 पर, तो अब देखिएगा ये 8 पर, 7 पर, 12 पर, 11 पर, अब 19, 19 के पास ही नहीं है 8, 19 के तो पास ही नहीं है 8, तो ये तो चेंज हो गया ना फिर। तो ये हुआ अपोजिट केस वाला, जो अपने ने जोड़ीदार किए थे वो हुआ है ये। क्या क्या, एस एच हनी सिंह, एच एस ऐसे याद किया था ना, टी जी, जी टी रोड, तो जी का टी, टी का जी उल्टा, ओ का एल, एल का ओ लव, और पी का के, पी के मूवी, ऐसे याद किया था अपने ने। तो ये दो तरीकों से चेंज होता है। अगर कोडिंग डिकोडिंग की बात करें, अल्फाबेट से अल्फाबेट में, एबीसीडी से एबीसीडी में ही बात करूं मैं, जैसे एबीसीडी ये है, एबीसीडी ये है, तो एबीसीडी से एबीसीडी में ही तो चेंज कर रहा हूं मैं, तो एबीसीडी से एबीसीडी में चेंज होते हैं, तो ये होते हैं दो प्रकार से। अब बदलना तो हो गया जी, ये तो कन्फर्म हो गया, कोई भी क्वेश्चन आए उसको बदलना ही पड़ेगा, बदले बिना तो वो होगा ही नहीं। अब दो तरीके से बदलता है, मैंने दोनों बता दिए आपको, या तो कुछ जोड़ दो या घटा दो, एक तो ये हो गया, एक रिवर्स हो गया, मतलब अपोजिट केस हो गया, जोड़ीदार के हिसाब से हो गया, ये उनका आंसर निकल जाता है, इसी हिसाब से हो जाता है सोल्व। अब बात करते हैं, बदलना हो गया, अब इनकी पोजीशन बदलते हैं अक्षरों की। पोजीशन मतलब जैसे स्टॉप है, एस टी ओ पी, स्टॉप है, तो स्टॉप को मैंने क्या किया, एस को बदल के, एस पहले स्टॉप में, एस पहले आता है, तो मैंने बदल कर यू लिख दिया, यहां पर एस को बदल कर आर लिख दिया, यहां पर एस को बदल कर एच लिख दिया, तो सबसे पहले ही लिखा, इनकी जगह तो नहीं बदली, पोजीशन तो नहीं बदली, टी दूसरे पर था, ये देखो टी बदल कर यही रह गया, टी बदल कर यहां आ गया, टी बदल कर जी यहां आ गया, दूसरी जगह पर ही रहा, तीसरे पर ओ था तो ओ का एन बना, ओ का क्यू बना, ओ का एल बना, तो फिर वही रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा, और लास्ट लास्ट में पी आ रहा था, तो पी का ओ एक माइनस किया था, इसमें दो प्लस किया था, इसमें अपोजिट किया था, तो पोजीशन सेम है। तो ध्यान देना दोस्तों, पोजीशन तीन प्रकार से चेंज होती है टोटल, इनकी अक्षरों की जो पोजीशन है वो तीन प्रकार से चेंज होती है। पहला तो यही है अनचेंज, डायरेक्ट सीधा का सीधा ही रह जाता है, कोई चेंज होता ही नहीं है। दो चेंज और होते हैं, तीनों चेंज एक बार और करते हैं, एक एक एग्जांपल लेते हैं, तीनों चेंज समझाता हूं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग तो यही है, होगी भी तो, इसमें तो कुछ ज्यादा है ही नहीं, तो चलो देखते हैं। अभी एक क्वेश्चन और लिखते हैं अपने, अब अपने चेंज करेंगे इनकी पोजिशन, मैं ऊपर लिख देता हूं पोजिशन चेंज। पोजिशन चेंज तीन प्रकार की होती है, थ्री टाइप्स, तीन प्रकार से पोजीशन चेंज होती है। अब अपने एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, मार्कर से लिख रहे हैं, मार्कर ही ले लेते हैं, तो एग्जांपल आ गया मार्कर, ठीक है।
अब इन अक्षरों को मैं चेंज करूंगा। आपको बता दिया है मैंने, चेंज करना दो प्रकार से होता है, प्लस माइनस करना या फिर अपोजिट केस करना, दो ही प्रकार से होता है। पोजिशन तीन प्रकार से चेंज होती है, पोजिशन है वो तीन प्रकार से चेंज होती है इनकी। कैसे होती है, पहली पोजिशन तो सेम रहेगी, मार्कर में छह अक्षर है, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, छः के छः अक्षर लिख दिए मैंने यहाँ पर। अब देखिएगा इन अक्षरों को मतलब सीधा सीधा चेंज करना, चेंज होके अपनी जगह ही रह जाएगा, चेंज होकर अपनी जगह ही रह जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा। जैसे एम को चेंज करके यही रख दूंगा मैं, मान लीजिए मैं प्लस दो करूंगा सब में, इनके नंबर लिख देते हैं ऊपर, 13, 1, 18, 11, 5 और 18। मान लीजिए प्लस दो दो करना है सब में, तो 13 और दो 15 पर ओ, 1 और दो 3 पर सी, 18 और दो 20 पर टी, 11 के 11 पर तो 11 और दो 13 पे एम, 5 और दो 7 पर जी, 18 और दो 20 पर टी। ये हो गया जी, ये चेंज हो गया, ये होता है पहला चेंज, डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं, डायरेक्ट चेंज। कोई भी पोजीशन इधर उधर की नहीं इसने, पोजीशन में एक भी अक्षर को नहीं लाया, देख सकते हो आप, एम सबसे पहले था तो सबसे नीचे पहले चेंज होकर आया है, 15 नंबर, 3 नंबर, 20 नंबर, 13 नंबर, 7 नंबर और 20 नंबर, 20, इस हिसाब से होता है। तो ये तो होती है पहली पोजीशन, पहले पोजीशन इसी हिसाब से चेंज हो सकती है, अपने मानते हैं इस चीज को। अब अपने देखते हैं दूसरा टाइप, कि भी मैंने आपको कहा कि तीन तरीके से चेंज होती है, एक टाइप तो देख लिया, पोजीशन चेंज ही नहीं की, सीधा हो गया, डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग होगी। दूसरा और समझते हैं, तो इसको हटा देते हैं यहां से, शब्द यही पड़ा रहने देते हैं मार्कर, शब्द यही पड़ा है मार्कर, छह अक्षर हैं तो इसी हिसाब से ये पड़े समझ में आ जाएंगे, अपने नंबरिंग लगी पड़ी है। अब की बार मैंने क्या किया, मान लीजिएगा यहां पर मैंने, आप ही बताओ कि मैं नहीं बताऊंगा, पहले मैं चेंज कर देता हूं इसको, मैंने किया यू, फिर मैंने किया एच, फिर मैंने किया एन, फिर मैंने किया यू, फिर मैंने किया डी, फिर मैंने किया पी, नंबर लगा देता हूं मैं तो सिर्फ 21, 8, 14, 21, 4 और 16, ये कर दिया। तो अब देखिए दोस्तों, जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आया कि किसी सांकेतिक भाषा में मार्कर को ये लिखा जाता है इस हिसाब से, तो अपने माइंड में क्या आएगा कि यार क्या चेंज किया है, बदल तो दिया ना। देखो कोडिंग डिकोडिंग का मतलब बदलना होता है, अब मार्कर कितना सुंदर अक्षर लिख रहा था ना, कितना सुंदर है, लेकिन बदल दिया भाई। अब अपने को बदलना है, पोजिशन चेंज की है कि क्या किया है, कैसे बदल दिया भाई, प्लस माइनस देखते हैं। तो 13 को 21, 13 में 8 जोड़े तो 21 बनता है। तो याद एक चीज और याद रखना, यहां पर कभी भी कोडिंग डिकोडिंग में एक दो तीन से ज्यादा नहीं जोड़ता है, ऐसा नहीं है कि कहीं 15 जोड़ दिया, कहीं 20 जोड़ दिया, इतना नहीं जोड़ता है कभी भी, मोस्ट ऑफ केस में 3 तक ही जोड़ता है, ठीक है। तो यहां तो 8 जुड़ रहा है, क्योंकि 13 और 8 21 प्लस 8 हो रहे हैं, इसमें 1 और प्लस इसमें 7 हो रही है, इसमें माइनस 4 हो रही है, तो ये तो कोई अच्छा नहीं लग रहा भाई, सीरीज ही नहीं बनी, सीरीज नहीं बनी तो इसको नहीं मानेंगे अपने, तो ये तो है ही नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है ना, सेट नहीं बैठ रहा ये तो। तो पहले पोजीशन अपना नहीं है अभी, पहला तरीका अपना नहीं है, तो दूसरी पोजीशन चेंज है, तो यहाँ पर दो करो, दूसरा है ये टाइप, दूसरी तरीके से पोजीशन। दूसरा होता है रिवर्स केस, मतलब जो पहला ही पहला अक्षर है ये उठकर लास्ट में चला जाएगा, लास्ट वाला पहली जगह आ जाएगा, क्रॉस हो जाता है, क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग होती है। दूसरा जो होता है क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग, मतलब यहां समझाता हूं, पहला अक्षर देखो यहां चला गया तो लास्ट यहां आ गया, दो नंबर पीछे से दूसरा हो गया, ये आगे से दूसरा हो गया, ये यहां चला गया और ये यहां आ गया, इस हिसाब से चेंज हो जाता है। तो अब देखिएगा 13, 16 हो गया, तो 13 और 16 बड़ा ही है, घटा तो नहीं है, तो जोड़ दिए, कितने जोड़ दिए, 13 और 3 16, 1 और 3 4, 18 और 3 21, 11 और 3 14, 5 और 3 8 और 18 और 3 21। तो प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 और पोजीशन है अपना क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग के अकॉर्डिंग ये चेंज हुआ है अपने पास। तो दो अपने ने पोजीशन, दो तरीके देख लिए पोजीशन चेंज होने के, पहला जो पोजीशन चेंज होने का तरीका है वो सीधा है, दूसरा जो देखा है अपने ने वो क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग है। अब एक और देखते हैं दोस्तों,
उससे आपका सिर्फ थोड़ा सा बेसिक क्लियर होगा। क्वेश्चन अभी मैंने नहीं करवाए हैं, क्वेश्चन मैं और बनवाऊंगा आपको, फिर आपको पता चलेगा भी ऐसे ऐसे होता है क्या, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% आएगा, हो सकता है दो क्वेश्चन आ जाए इससे। तो अब देखिएगा, एक चीज और देखते हैं अपना तीसरा। तीसरा टाइप और देखते हैं अपने, सिर्फ एक टाइप नंबर थर्ड, एक शब्द ले लेते हैं इसमें भी, मान लीजिएगा एक शब्द ले लेते हैं, कोई भी एकेडमी ले लेते हैं, ACADEMY, थोड़ा सा बड़ा अक्षर, बड़ा शब्द लेना जरूरी होता है इसमें, क्योंकि ये रूल है ना मोस्ट ऑफ केस में, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 6 से बड़ा हो ना, जैसे इसमें 7 लेटर है, तो 5 या 6 से बड़ा उसमें ज्यादा अप्लाई होता है ये। इधर अपने लाइनिंग भी कर लेते हैं, चलिए यहाँ कर देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये लाइनिंग भी कर दी अपने ने, ठीक है। तो अब देखिए इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, इसको चेंज कर रहा हूँ, आप देखते रहना कैसे करेंगे। अपने अपने ने कर दिया सी, फिर ई, फिर सी, फिर कर दिया एफ, फिर कर दिया ए, फिर कर दिया ओ, फिर कर दिया जी, ये चेंज कर दिया मैंने। और अब मैं नंबर दे देता हूँ इनको फटाक से, 1, 3, 1, 4, 5, 13 और 25, यहाँ 3, 5, 3, 6, 1, 15, 7, ये नंबर दे दिए। अब देखिएगा किसी एंगल से ऐसे हो सकता है भी कि सर 1 से 3 हो गए 2 जुड़ गए, 3 में 2 जुड़ गए 5, फिर 1 में 2 जुड़ गए, फिर 4 में 2 जुड़ गए 6, तो 5 में 2 जोड़कर 7 होना चाहिए था, गड़बड़ होगी, नहीं बन रहा, तो पहला लॉजिक फेल। आपको फटाफट देखना है कि भी पहला लॉजिक लग रहा है कि नहीं लग रहा, पहला नहीं लग रहा क्योंकि यहां तक तो बढ़ रहा है, यहां पर कितना घट गया, फिर यहां बढ़ गया, फिर यहां घट गया, तो ऐसे थोड़ी होता है भी, वो तो एक रिदम में चलेगा, या प्लस माइनस होगा, या प्लस प्लस या माइनस माइनस, मतलब एक रिदम होनी चाहिए, एक सीरीज बननी चाहिए। तो पहला लॉजिक अपना नहीं है। दूसरा लॉजिक क्या था अपना, क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग था मित्रों, लास्ट को उठाकर यहां लेके आना था। अब लास्ट 25 है और यहां 3 है, नहीं जच रही बात, और 1 को यहां लेके जाऊं तो 6 जुड़ता है, 3 को यहां लेके जाऊं तो 9, 12 जुड़ता है, तो क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग भी नहीं है। समझ में आ रहा है भी, अगर ये ऐसे होता क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग इस हिसाब से हो भी जाती तो नहीं होगी। देखो 1 में 6 जुड़ गए, इसमें 13 जुड़ गए, इसमें कुछ जुड़ा ही नहीं, तो ऐसे तो नहीं होता दोस्तों, ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं है, तो हटाओ इसको भी। तो अब जब दोनों ही नहीं है ना, तो अपने पास तीसरा है, और तीसरा जो टाइप होता है उसमें क्या करते हैं, 2 टुकड़े करने होते हैं, 2 टुकड़े इसके, इसके 2 टुकड़े कर दो आप, तो देखो कि 3-3 के 2 टुकड़े हो गए और बीच वाले को ऐसे ही छोड़ दो। अब देखिएगा इनको ऐसे करना है, ये देखिए ये लॉजिक है इसमें, ये लॉजिक है, इनको भी ऐसे कर सकता हूं मैं, देख लीजिए आप। देखिए दोस्तों ये लॉजिक है इसमें, इसमें क्या करना है, 2 टुकड़े, तीसरा जो लॉजिक होता है उसमें 2 टुकड़ों में तोड़ना होता है शब्द को और फिर क्रॉस करना होता है उनका। तो अब देखिए 1 को 3 बनाया है तो +2, 3 को 5 बनाया है तो +2 और 1 को फिर 3 बनाया है तो +2, 4 में फिर +2। अब देखिए 25 में +2 करो तो कितना हो जाता है, 27 तो अक्सर ही नहीं होते, 26 ही होते हैं। तो क्या होता है कि जैसे 26 खत्म हुआ तो 27वां एक नंबर आ गया ना अपने पास, इसलिए इसमें भी 2 जुड़ी हैं दोस्तों, ऐसे मत सोचना घट गए, और 13 में 2 जुड़ गए 15 और 5 में 2 जुड़ गए 7, तो सब अक्षर में 2-2 जुड़े हैं, देख लीजिए चाहे आप। तो आपको मैंने सिर्फ इतना करवाया इस वीडियो में कि आपका सिर्फ बेसिक क्लियर हो जाए, आपको पता चल जाए कोडिंग डिकोडिंग का मतलब बदलना होता है, बदलते कैसे हैं, प्लस माइनस करके या फिर रिवर्स कैश करके, और इनकी पोजीशन होती है वो 3 प्रकार से चेंज होती है, मैंने 3 प्रकार आपको बता दिए पोजीशन के। अब अपने जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसके अंदर अपने इसके थोड़ा सा जो बच गया इसका कंटेंट उसको शामिल करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिएगा, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अगर आपको और ज़्यादा मैटर चाहिए, और ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, तो हमारा जो इंडियन अकेडमी का एक ऐप है, इंडियन लर्निंग ऐप, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको डाउनलोड कर लीजिए, उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन नए मिलेंगे। ठीक है सर, थैंक यू।